आज की वीडियो में हम मैजिक करने वाले हैं। आज एक एक्सेल शीट की मदद से मैं आपको प्रूफ करने वाला हूँ कि मेडिटेशन कैसे काम करती है और क्यों इतनी इफेक्टिव चीज होती है। आज मैं बताऊंगा कि रिटर्न और इन्वेस्टमेंट मेडिटेशन करने का क्या होता है, क्या रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट मिलता है अगर आप 5 या 10 मिनट मेडिटेशन डेली कर पाते हैं। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ जिसका मेरे को आंसर चाहिए, फिर इस वीडियो के दौरान एक छोटी सी मेडिटेशन करेंगे और फिर वो आंसर फिर से डालिएगा कॉमेंट सेक्शन में। सो द क्वेश्चन इज, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? इस समय आप क्या महसूस कर रहे हैं? कमेंट्स में डालिए वो फीलिंग एंड देन गो थ्रू द वीडियो एंड देन वी विल कम बैक एंड सी कि वो फीलिंग्स चेंज होती हैं या नहीं होती हैं। मिशन मेरा यही है आज कि मैं प्रूव कर सकूं कि मेडिटेशन एक्चुअली वर्क्स एंड मेडिटेशन इज समथिंग दैट यू एंड आई वी ऑल कैन प्रैक्टिस। एज ऑलवेज इग्नाइटेड न्यूरॉन्स ऑन अ मिशन टू टच अ बिलियन लाइव्स पॉसिबली। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे मिशन में हमारा साथ देता है। सो व्हाई डोंट यू गो अहेड एंड डू दैट। Hi, I'm Utkarsh Narang and this is a video of our Inspired Living series. आज एक Excel sheet की मदद से मैं आपको प्रूफ करने वाला हूँ कि मेडिटेशन कैसे काम करती है और क्यों इतनी इफेक्टिव चीज होती है। मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं डाउटफुल होंगे, स्केप्टिकल होंगे, आप मेडिटेशन शुरू करते होंगे फिर ब्रेक डाउन हो जाता होगा, फिर शुरू करते होंगे फिर रुक जाते होंगे। लेकिन एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस मेडिटेशन की बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हेल्पफुल होता है। जस्ट टू शेयर इन शॉर्ट, इस वीडियो में मैं पहले बता रहा हूँ कि मेडिटेशन एक्चुअली क्या होती है, इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे कि ROI मेडिटेशन का क्या होता है और फिर एक छोटी सी मेडिटेशन मिलके करेंगे। आपने आई होप डाल दिया है कमेंट्स में कि आप कैसा भी फील कर रहे हैं, क्योंकि उसी के नीचे रिप्लाई करिएगा कि मेडिटेशन के बाद आप क्या महसूस कर पा रहे हैं। सो पहली चीज, सी मेडिटेशन को हम कई बार समझते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स एंटिटी है, उसके लिए मुझे ऐसे बैठना पड़ेगा, ये जगह चाहिए, वहां पर होगी, उस समय होगी, इस टाइम नहीं हो सकती, ये है वो, हम 100 वेरिएबल्स उसके साथ अटैच कर लेते हैं। हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि मेडिटेशन अल्टीमेटली इज अ सेंटरिंग स्टेट। इट इज अ स्टेट वेयर आप अपनी ब्रेथ पे फोकस कर रहे हैं, ब्रेथ पे कंट्रोल कर रहे हैं, अपने थॉट्स को क्लियर कर रहे हैं। इसको ऐसे मत सोचिए कि आप थॉट्स को खत्म कर सकते हैं, कोई भी अपने थॉट्स को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है बहुत डायनामिक है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट उसको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, अगर आपकी अलमारी है जहाँ आपने बहुत सारे सुंदर सुंदर कपड़े खरीदे हुए हैं और उनको ठूस दिया है अंदर, पूरी वो भरी हुई अलमारी, और एक दिन आपको एक पार्टी में जाना है और आपको एक ब्लू ड्रेस चाहिए, आपको याद है वो आपने कहाँ से खरीदी बट वो निकल नहीं रही है। वैसे ही मेडिटेशन आपके ब्रेन में जितने थॉट्स हैं, जितने इमोशंस हैं, जो भी चीजें हैं, उनमें वो क्लैरिटी क्रिएट करती है कि जब आपको जो थॉट चाहिए, जब आपको जो डेटा पॉइंट चाहिए, वो आप निकाल सके। ये इतना आसान नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बट आइए आज प्रैक्टिस करते हैं। अब जो मैं ROI की बात कर रहा हूँ वो क्या है, तो एक एक्सेल शीट की तरफ चलते हैं और फिर उसके हिसाब से हम बात करेंगे कि क्या हो रहा है। मैं साथ में अपने कंप्यूटर में देखता रहूंगा ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं। अब इसको ऐसे समझिए, आप सुबह उठते हैं, मॉर्निंग में दूध वाला नहीं आया, आप ड्राइव करके ऑफिस जा रहे हैं, कार में किसी ने आपको कट मारा और आपको बहुत गुस्सा आ गया, आप ऑफिस पहुंचते हैं, कोई प्रोजेक्ट फेल हो गया, आपका कोई एग्जाम है और आपने तैयारी पूरी तरह नहीं की है, आप सुबह उठते हैं मॉम शुरू हो जाते हैं कि कमरा साफ कर, कमरा साफ कर, कमरा साफ कर। ऐसे बहुत सारे ट्रिगर्स हमें थ्रू आउट द डे मिलते हैं। एवरेज पर्सन को कहीं ना कहीं 10 से 30 ट्रिगर्स मिल सकते हैं, बट टू एवरेज आउट मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि आपको 15 ट्रिगर्स एवरी डे आप फील करते हैं। अब जब भी आपको कोई भी आउटसाइड स्टिमुलाई ट्रिगर करता है, तो उस ट्रिगर के बाद आपका जो ध्यान है वो पूरा उस चीज पे चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके किसी स्पाउस ने, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ने आपको कह दिया कि अरे ये तो तुम ठीक नहीं लग रहे, आज ऐसी बातें मत किया करो, या आई जस्ट डोंट लाइक यू, यू आर सो पोसेसिव, ऐसा कुछ भी होने पे हम बहुत टाइम तक उस चीज के बारे में परेशान होते रहेंगे। एवरेज मान के चलता हूँ कि हम 1-1.5 घंटा भी लगा सकते हैं, बट सपोज करिए कि आप 15 मिनट अपनी लाइफ के वेस्ट करते हैं, 15 भी छोड़िए 10 मिनट। सो आप उस ट्रिगर्ड स्टेट में, जो भाई रो नंबर 3 है, 10 मिनट आपके लाइफ के बर्बाद हो जाते हैं। टोटल टाइम जो आप एक दिन में वेस्ट कर रहे हैं, या मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है जो D3 और C2 को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 150 मिनट। सो एक दिन में आप कम से कम 2 से 2.5 घंटे, मे बी कई बार और भी ज्यादा, वेस्ट करते हैं एक इमोशनली एग्रेवेटेड स्टेट में। अब महीने में जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो हो गया 4500 मिनट, 4500 मिनट, सिंपली मैंने 150 को 30 से मल्टीप्लाई किया है। अब 4500 मिनट महीने के वेस्ट करना इज नॉट अ ग्रेट थिंग, 75 घंटे हम इमोशनली एग्रेवेटेड स्टेट में वेस्ट कर रहे हैं। अब मेडिटेशन से हमें इतना क्लियर है, जितनी भी रिसर्च हुई है, जितने भी लोग मेडिटेशन करते हैं, कि जो लोग मेडिटेट करते हैं वो इस ट्रिगर स्टेट को जल्दी कंट्रोल में ला पाते हैं। ट्रिगर वो भी शायद होते होंगे, गुस्सा मुझे भी आता है, जो मॉन्क्स हैं उनको भी आता होगा, गुस्सा आपको भी आएगा, बट वो ट्रिगर स्टेट को कंट्रोल बहुत जल्दी कर पाते हैं। तो यदि आप दिन के 10 मिनट, मैं सिर्फ 10 मिनट कह रहा हूँ,
आप अगर 10 मिनट इन्वेस्ट करते हैं मेडिटेट करने में, तो उससे आप महीने में 300 मिनट इन्वेस्ट करेंगे, करेक्ट? सो जैसे मैं यहाँ 10 डालूंगा, तो आप देखिए कैसे 300 मिनट आपके टाइम इन्वेस्टेड इन अ मंथ आया। 300 मिनट आपने मेडिटेशन किया और 4500 मिनट आप पहले वेस्ट कर रहे थे। जो आपने पीसफुल टाइम गेन किया है, मतलब उसका ये हुआ कि 300 मिनट मेडिटेट करने के कारण जो 4500 मिनट आपके लग रहे थे उसमें से 300 माइनस कर दीजिए, तो 4200 मिनट्स इज व्हाट यू आर गेटिंग वेयर योर पीसफुल टाइम इज प्रेजेंट फॉर यू। अब उसके हिसाब से जो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो करीबन 1300% आ रहा है। 1300% अल्टीमेटली इसकी मदद से, जो एक्सेल शीट में आपको डेटा दिखा रहा हूँ, मैं आपको बस इतना समझाना चाहता हूँ कि जो थोड़ा सा टाइम आप इन्वेस्ट करेंगे मेडिटेशन में, वो आपकी लाइफ को बहुत बेटर कर देगा, वो आपकी लाइफ में बहुत कामनेस और हैप्पीनेस ले आएगा। एक बार एक रिसर्च हुई थी, अगर आप में से कुछ लोग फिटनेस फ्रीक हैं, रनिंग वगैरह करते हैं, जब हम रनिंग करते हैं तो एक रनर्स हाई हमें फील होता है, हमारे दिमाग में ऐसे एंडॉर्फिन्स और ऐसे अच्छे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें एक बहुत ही हाई सेंस देते हैं। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, वो 10 मेडिटेशन करने वाले मॉन्क्स को लेकर, जो बहुत सीनियर मॉन्क्स हैं, बहुत अच्छे से मेडिटेट कर पाते हैं, और वो 10 रनर्स को लेकर आए। उन्होंने उन दोनों के जो ब्रेन के केमिकल्स हैं उनको असेस किया, और फिर उन्होंने उनको कहा कि चलो आप मेडिटेट करो, और दूसरे ग्रुप को कहा जाओ आप रनिंग करके आओ। हाईली इंटेंस एलीट क्लास रनिंग करने के बाद और उस मेडिटेशन के बाद जो हॉर्मोन्स का लेवल था वो उन मॉन्क्स में हायर पाया गया। ये है इम्पैक्ट, ये है इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन। द ओनली ट्रबल दैट कम्स टू अस, यू नो, कि हम इतना बिजी हो जाते हैं अपनी लाइफ में कि हमें लगता है कि यार ये 5 मिनट में नहीं निकाल सकता, ये 5 मिनट में कहाँ से लाऊं। पर अगर आप ये डेली कर पाएंगे, डेली प्रैक्टिस बना पाएंगे, इसको नॉन नेगोशिएबल कर पाएंगे, तो बहुत आसान होगा। एक चीज जो मेरे साथ वर्क करी है, जो मैं शायद पहले भी शेयर कर चुका हूँ, वो ये है कि आप अपनी किसी ऐसी डेली एक्टिविटी को पकड़ लीजिए, जैसे सुबह नहाना हो, हम सब सुबह उठ के नहाते हैं, तो नहाने के बाद इमिजिएटली मैं मेडिटेट करूँगा। सुबह उठते ही, हम सब भगवान करें हर रोज सुबह उठते रहे, सुबह उठते ही मैं 5 मिनट जाके मेडिटेट करूँगा। दीज आर एक्शंस दैट यू कैन टेक, दीज आर टेक्निक्स दैट यू कैन यूज टू मेडिटेट। अब आपने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि आप एक स्पेसिफिक चीज फील कर रहे हैं जब आप ये वीडियो हमने शुरू किया था। हो सकता है आप में से कुछ इस वक्त इमोशनली एक्साइटेड स्टेट में हो, हैप्पी स्टेट में हो सकता है आप में से कुछ एंशियस हो सकता है आप में से कुछ एंग्री हो। मैं चाहूंगा कि अगले 2-3 मिनट आप मेरे साथ बैठ के छोटी सी मेडिटेशन करें, बिल्कुल शॉर्ट मेडिटेशन, और फिर उस मेडिटेशन के एंड में मुझे कॉमेंट्स में बताइए कि आपकी जो स्टेट थी वो कैसे चेंज हो। अगर आप ये वीडियो ड्राइव करते हुए देख रहे हैं, या खाना बनाते हुए, या रनिंग करते हुए, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जहाँ आप हर्ट हो सकते हैं, तो ऐसे आप अभी ये वीडियो पॉज कर दीजिए, बाद में यू कैन कम बैक टू इट। बट अगर आप घर में हैं, आराम से बैठे हैं, अपने बेड पर हैं, लेटे हैं, तो ये ग्रेट टाइम है टू डू इट। अब मेडिटेशन करने के लिए आपको बेसिकली एक अपनी कमर को सीधा रखना है, तो चाहे लेट के हो या बैठ के हो, इट ऑल वर्क्स। एंड इफ यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, एंड इफ यू ट्रस्ट मी, एंड इफ यू ट्रस्ट द प्रोसेस, आई वॉन्ट यू टू क्लोज योर आईज। एज यू क्लोज योर आईज, आपके दिमाग में इसमें बहुत सारे थॉट्स आ रहे होंगे, कुछ इस वीडियो को क्वेश्चन कर रहे होंगे, कुछ जो आप कर रहे थे उसके बारे में होंगे, कुछ जो आप करने वाले थे उसके बारे में होंगे। ये सारा ट्रैफिक आपके दिमाग में चल रहा है। मैं चाहता हूं कि आप इसको एज अ थर्ड पार्टी ऑब्जर्व करना शुरू करें। यू आर नॉट द ट्रैफिक पुलिसमैन, यू आर नॉट द ट्रैफिक इटसेल्फ। आप जूम्ड आउट हैं, अब देख रहे हैं कैसे सारे थॉट्स कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं। जिस थॉट को रुकना है उसको रुकने दीजिए, जिसको जाना है उसको जाने दीजिए। अपने चेहरे पे एक मन मन मुस्कान लेके आइए, एक प्यारी सी स्माइल जो आपके चेहरे पे बहुत सुंदर लगती है। आई नो इस समय आप कुछ भी फील कर रहे होंगे, पर मैं चाहता हूं कि आप ये स्माइल लाने की पूरी कोशिश करें। इसके साथ अपनी ब्रेथ पर फोकस करना शुरू करें। कैसे जब आप सांस लेते हैं नाक से, ऑक्सीजन जाके आपकी पूरी बॉडी को एनर्जाइज कर देता है, और आप एक्सहेल करते हैं तो जो आपको नहीं चाहिए वो बाहर आ जाता है। किसी भी चीज को रेजिस्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज को एम्ब्रेस करने की जरूरत नहीं है। जस्ट स्टे प्रेजेंट विद वेयर यू आर, विद हु यू आर।
धीरे धीरे नाक से सांस लेते रहिए और मुंह से छोड़िए। एक बार फिर हम स्टार्ट करेंगे कुछ डीप ब्रीदिंग से। नाक से गहरी सांस लेंगे, उसको एकदम एंड पे रोकेंगे 2-3 सेकंड के लिए और फिर धीरे से मुंह से उसको छोड़ेंगे। लेट्स इनहेल टुगेदर, स्टॉप एट द टॉप, एक्सहेल, inhale, stop at the top, and exhale. Ek aur inhale, stop at the top, and exhale. एक और डीप ब्रेथ, इनहेल, स्टॉप एट द टॉप, एक्सहेल। अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल आने दीजिए। अगर मैं इस समय आपसे पूछूं कि आप कौन हैं, तो आपका रिस्पॉन्स होगा आई एम, आपका नाम। मैं चाहता हूं कि आप उस नाम को भी ड्रॉप कर दीजिए। जस्ट रिपीट टू योरसेल्फ, आई एम इनफ, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम कंप्लीट, आई एम प्रेजेंट, मैं यहां हूं, मैं खुश हूं, मैं कंप्लीट हूं और मैं इनफ हूं। अपने चेहरे पे मुस्कान फील करिए। जस्ट बिलीव इन हु यू आर, बिलीव दैट द यूनिवर्स विल टेक यू वेयर यू हैव टू बी एंड वांट टू। से अपनी आंखें खोल सकते हैं आप। थैंक यू फॉर गोइंग थ्रू दैट मेडिटेशन विद मी। अब इस मोमेंट में मैं चाहता हूं कि आप 2 मिनट लीजिए, जिस महसूस करिए आप अभी किस क्या महसूस कर रहे हैं। आपने वीडियो के स्टार्ट में कुछ कहा था, करीबन आई थिंक 10-12 मिनट हुए होंगे हमें। इस समय आप क्या महसूस कर रहे हैं, जो भी वो शब्द है, आई वुड रियली अप्रिशिएट कमेंट्स में अगर आप अपनी पहली वाली स्टेट, प्री वीडियो स्टेट और पोस्ट वीडियो स्टेट अगर लिख सकते हैं, क्योंकि आपके ये डालने से जो और लोग इस वीडियो को देखेंगे उनको भी ये महसूस होगा कि वो भी मेडिटेशन कर सकते हैं, उनको भी मेडिटेशन करनी चाहिए और मेडिटेशन 2-3 मिनट की मेडिटेशन से या 5 मिनट की मेडिटेशन से उनकी स्टेट पर कितना फर्क पड़ता है। आई होप ये वीडियो आपके काम आया हो, आई होप ये एक्सेल शीट से आप समझ पाए हो कि मेडिटेशन का कितना इम्पैक्ट है आपकी और मेरी लाइफ में। As always, Ignite Neurons on a mission to touch a billion lives positively. आपके अलावा हमें इस मिशन में और कोई सक्सेसफुल नहीं कर सकता। So why don't you go ahead, like this video, share this video, subscribe to the channel, and definitely comment in the comment section.